सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। लेकिन एक बात कहूं आपसे, बात उसी तरफ ले जाऊंगा, लेकिन एक बात, अब हम सब कहते हैं मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का नाम हमने कड़े पहनना रख लिया, डोरे पहनना रख लिया, कपड़ों का कलर मोहब्बत के नाम से मंसूब हो गया। मेरे भाई, अगर कपड़ों का कलर किसी को मुहिब्बे अहले बैत बनाता तो फिर कपड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब्बे अहले बैत होती। अगर कड़े किसी को मुहिब्बे अहले बैत बनाते तो फिर कड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब्बे अहले बैत होती। कड़े, डोरे, कपड़े या फिर कोई मखसूस रस्में। और अगर हमारे बुजुर्ग लोग बुरा ना माने तो ये भी कह दूं, चंद गरम शरबत भी किसी को मुकम्मल मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना सकते। चंद खिचड़े की देगे भी किसी को मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना। ये निशानी है, इसका इनकार नहीं। ये तो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये चीजें जो शरबत है, नियाज है, नजर है, दस दस बारह बारह दिन की महफिलें, अगर इसी से कोई मुहिब्बे अहले बैत बनता तो फिर आपसे पूछता हूं कि अली अकबर की जवानी क्यों लुटती? अली अकबर की जवानी क्यों लुटती? आप गौर करें, आपके घर में भी बेटे होंगे, आपके घर में भी बेटे होंगे। मुस्तफा जाने रहमत की नालायन के सबके मेरे घर में भी है। अल्लाह आपके बच्चों को भी सलामत रखे, हमारे बच्चों को भी सलामत रखे। लेकिन बच्चे तेज से बाइक भगा दे तो बाप का ऑफिस में दिल नहीं लगता। वो तेज से बाइक भगा करके गया, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, दिल धड़कता है। जैसे जैसे बच्चे जवान होते जाते हैं, वैसे वैसे माँ बाप की उम्मीदें और वाबस्ता होती जाती है। शादी का दूल्हा तो हर बाप बनाता है, लेकिन इमाम हुसैन उस बाप का नाम है जिसने अल्लाह के दीन के लिए अपने बेटे को शादी का नहीं बल्कि शहादत का दूल्हा बनाया है। अब आपसे पूछता हूं, अगर करबला को रस्म के तौर पर समझते हो तो फिर आप में और रवाफिज में क्या फर्क है? लेकिन अगर आप वाकई सवाद आजम के मानने वाले हो तो हमारे नजदीक करबला रस्म नहीं बल्कि हकीकत है। करबला इश्क की इम्तिहा का नाम है, करबला इश्क की इम्तिहा का नाम है, करबला वफा की आबरू का नाम है, करबला हकीकतों के मेयार का नाम है, करबला वफाओं को की तजदीद का नाम है, करबला अल्लाह अकबर दीन के तहफ्फुज का नाम है, करबला शरीयत की हिफाजत का नाम है, करबला अल्लाह और रसूल से वफा के इजहार का नाम है। करबला ये बता रहा है एक तरफ दीन है, अब सुनो, अगर करबला सुनने आए हो तो सुन लो, एक तरफ दीन है और दूसरी तरफ खूबसूरत बेटा। कैसा खूबसूरत बेटा! मैं चैलेंज करने का आदी नहीं क्योंकि मैं कोई मुहक्किक और अल्लामा फहामा नहीं, एक छोटा सा तालिबे इल्म हूं, लेकिन इस मकाम पर मैं चैलेंज के बगैर नहीं रहूंगा। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक जाओ, चिराग लेकर नहीं बल्कि सूरज लेकर के ढूंढ लो हुसैन के अली अकबर जैसा बेटा आज किसी के घर में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा या तो दादी के मुशाबे है या दादा के, तुम्हारा बेटा या नानी के मुशाबे या नाना के, तुम्हारा बेटा या माँ के मुशाबे या बाप के, हुसैन का शहजादा अली अकबर तो अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हम शबीबी। ऐसा खूबसूरत बेटा एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ, करबला क्या है? ऐसा खूबसूरत हम शबीए पैगंबर, हम शबीए रसूल, तस्वीरे मुस्तफा, तनवीरे मुर्तजा, 18 साल का कड़ियल जवान एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। गैब से निदा आती है, हुसैन किसको चुनते हो, दीन को या हम शबीए पैगंबर बेटे को? तवज्जो करना, इसको करबला कहते हैं। करबला बहुत सुना, बदले क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, नमाजी बने क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, दीनदारी कितनी आई? करबला का बयान सुनकर उठते हो और लड़कियों पे पाप की नजर डालते हो, क्या है? करबला का बयान सुन के उठते हो और उसी रात को फिर नशा करते हो। करबला का बयान सुन के उठते हो और घर जाकर के माँ को फिर वही दुख देते हो। करबला तो वफा का नाम है,
जो अपनी माँ को राजी न कर सका वो इमाम हुसैन को क्या मुंह लेकर जाएगा। इसलिए कि इमाम हुसैन तो माँ के ऐसे वफादार थे, पूरी जिंदगी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6-7 साल की उम्र थी माँ की हयात में माँ के साथ बैठ के एक बर्तन में खाना नहीं खाया। तवज्जो आपकी, हमें इमाम हुसैन के सिर्फ 3 दिन अगर जिंदगी के याद कर ले तो हम कहां से कहां पहुंच जाए। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6 साल और 7 साल की उम्र थी दोनों भाइयों की, माँ के साथ एक बर्तन में बैठकर खाना नहीं खाया। किसी ने कहा हसन हुसैन तुम्हारी माँ कितनी नेक है। आपकी तवज्जो, रास्ते में थोड़ा आने जाने वालों को रास्ता दे दे, बैठने की जगह नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ हो, मैं बहुत खास बात कर रहा हूँ, तवज्जो करना। आपकी माँ बहुत नेक है, नेकों के साथ खाना खाने से तो मगफिरत होती है। आप अपनी अम्मी के साथ नहीं खाते, इमाम हुसैन की अम्मी नेक नेक कहने वाला कह रहा नेक। आप ये मत समझना कि राबिया बसरी की तरह नेक, आप ये मत समझना नफीसा मिस्री की तरह नेक। नेक तो नेक होती है ना, लेकिन नेक कैसी नेक, कैसी नेक बताऊं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की, तवज्जो करें हदीस पाक में सियाए सित्ता की रिवायत है, फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने कयामत तक फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। जिसकी नेकी का सिला कयामत तक की औलाद को नसीब हो उसकी नेकी का आलम क्या होता है, जहां तुम्हारा सारा नेकियों का तसव्वुर खत्म हो जाए उससे बढ़कर सैयदा की नेकी है। ले आओ पूरी दुनिया में कोई ऐसी खातून किसी मजहब में किसी मसलक में किसी कौम में किसी बिरादरी में, कौन है फातिमतुज़्ज़हरा। तो मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसका चलना देखा महो महर ने, महो महर कहते चांद और सूरज। हाँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जब मैं शेर पढ़ता हूँ इमाम अहले सुन्नत के तो लोगों से कहता हूँ काश मैं इसको दिल्ली और लखनऊ में पढ़ता तो मजमा चुप न रहता, लेकिन मुंबई वाले भी शेर समझते हैं। इसलिए कि वहां के मुहाजिरीन यहाँ रहते हैं। बहरहाल, लेकिन आप अंदाजा करें क्या जिसका आंचल न देखा, आंचल कहते दुपट्टे को और मौ महर कहते चांद और सूरज को। मर्द तो मर्द है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस निदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हुसैन पाक की अम्मी इतनी नेक है कि सर तो सर है जिसके सर के दुपट्टे को, मर्द तो मर्द है कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा उसको हसनैन करीमैन की अम्मी कही कही। किसी मजहब में नहीं है, किसी मसलक में नहीं है, किसी कौम में नहीं है। और कितनी नेक है, कितनी नेक है। अल्लाह अल्लाह, आइए बात सुन ले। कोई हमसे आके कहता है मौलाना सैयद देख मेरी अजमत को जान कि जब मैं आता हूं ना तो मेरे लिए मिसबाई साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, अल्लामा साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, पीर साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, आरिफ नसीम खान साहब जैसे लोग खड़े होते हैं। क्यों? मैं कुछ हूं ना, मेरे लिए ऐसे लोग खड़े होते हैं, मुबल्लिग खड़े हो रहे हैं, उलमा खड़े हो रहे हैं, पीर खड़े हो रहे हैं, मशायख खड़े हो रहे हैं। हमने कहा बात तो आपकी सच्ची है, आपको के लिए जो खड़े होते हैं उन बड़ी हस्तियों को देखकर आपका अंदाजा लगा कि आप कितने बड़े हैं। लेकिन मैंने कहा अब मेरी भी सुन, तेरे लिए सियासी लीडर खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए उलमा खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए सैयद खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए पीर खड़े हो तो तू बड़ा है, लेकिन एक हस्ती ऐसी भी है ना जिसके लिए अब मेरा तसव्वुर सुन, फरिश्ते जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, अंबिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, औलिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, वो कौन है जिसके लिए सब खड़े हैं। मैंने कहा वो एक ही हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की
हस्ती जिनके लिए जिब्रील भी खड़े हैं, मिकाइल भी खड़े हैं, इजराइल भी खड़े हैं, इसराफील भी खड़े हैं, मेरे नबी इतने बड़े हैं कि मौत का फरिश्ता के हाथ बांध के कहता है इजाजत दे तो रूह निकालूं वरना मैं वापस जाऊं। इतने बड़े मेरे नबी, मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों ने अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी, खल्क से आलिया, आलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। अल्लाह अकबर, ये शान है। एक हस्ती तय हो गई जिसकी सब ताज़ीम करे, आसमान जमीन चांद सूरज सितारे सैयारे अंबिया मलाइका जिन हिन सब जिसकी ताज़ीम करे, सब इनके लिए खड़े होते हैं जो सैयदुल अंबिया है। लेकिन उस दिन इंसान की हैरत की इंतहा न रही कि जब हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई तो जिसके लिए सब खड़े होते थे वो भी उठ करके खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है मैंने बार बार देखा, हर बार देखा जब भी फातिमा आती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उठकर खड़े हो जाते थे और सिर्फ खड़े नहीं होते थे, उनकी पेशानी चूमते थे और चूम कर कहते थे फिदा की उम्मी वह भी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। लाओ ना कोई ऐसी हस्ती का तसव्वुर तो लाओ, कहते फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, इसी में बस नहीं खड़े होना भी बहुत बड़ी बात थी। उनके वो उनका खड़े होना, उनका खड़े होना, खड़े होना ही बड़ी बड़ी खड़े नहीं हुए फिर पेशानी चूमी फिर का फिदा के उम्मीद वो अभी तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान।